पर पाया जाता है आपका, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु। अब आगे आता है देखिए पहले जलमंडल। अब जलमंडल मतलब क्या, जल का मंडल मतलब जल जहां जहां है आपको जलमंडल घेरा आवरण होता है ना, मंडल माने आवरण। तो जल का आवरण चाहे वो नदी हो, झील हो, कुआं हो, तालाब हो या समुद्र हो या महासागर, ये क्या है जलमंडल। अब इसमें भी जीव जंतु निवास करते हैं जो जलमंडल होते हैं। वायुमंडल में, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसों का होगा, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रोजन, आर्गन और विभिन्न प्रकार की गैसें होती है। अब आता है स्थल मंडल। स्थल मंडल में आपका आता है पर्वत, पठार, मैदान, है ना। अब यहाँ रेगिस्तान भी आ जाएंगे। तो यहाँ पास स्थल मंडल में स्थल की आकृति में जहाँ जीव जंतु ये निवास करते हैं, इस तो क्या कह रहेगा आपका स्थल मंडल भूपरपट्टी में, पृथ्वी की ऊपरी बात क्या है भूपरपट्टी, उसमें निवास करते हैं। अब यहाँ पास बात आती है कि जो भूपरपट्टी है उसमें भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु कुछ नीचे उस जमीन के नीचे भी रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बोला जाए तो जीव जंतुओं में संघ आर्थ्रोपोडा के जीव जंतु सबसे ज्यादा है। फिर आगे है जीवी अजीवी। जैसे मैंने आपको बताया जो जीवित है वो जीवी, जैसे पेड़ पौधे, अजीवी जो जीवित नहीं है। अब इन्हें दोनों के परस्पर क्रिया करने पर हम जैव मंडल बता देंगे। जैसे देखिए जल, वायु और स्थल क्या है निर्जीव है, लेकिन इन्हें किस आपस में क्रिया करके सजीव जीव जंतु रहते हैं, हम निवास करते हैं। वही सूर्य का प्रकाश, पानी, मिट्टी का उपयोग करके आप जीवन जीते हो, मतलब एक दूसरे से मिलकर। अब आते हैं आपका घटक में मानव निर्मित। अब मानव निर्मित क्या है, प्राकृतिक वस्तुओं को लेकर उसके रूप परिवर्तन कर दिया तो हो जाएगा मानव निर्मित। मानव निर्मित में आप देख लीजिए जैसे है इमारतें, इमारतें भाई बनाए आप क्या प्राकृतिक से चीजें से लेकर तो बनाए ना, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गई, सीमेंट, ये सब क्या प्राकृतिक चीजों का है उपयोग करके उसका रूप परिवर्तन करके आप बड़े पार्क बना दिए, बिल्डिंग बना दिए, घर बना दिए, ट्रैक्टर गाड़ी, ये जितने भी आपको मानव निर्मित आप बोल रहे हो ये प्राकृतिक वस्तुओं को ही उपयोग करके मानव निर्मित बनाया गया, मानव निर्मित जैसे स्मारक, उद्योग, सड़क। अब मानव क्या है, अब मानव भी यूनिवर्सल शब्द, अगर जो एक मानव है जो क्या एक व्यक्ति, अब एक से ज्यादा हो जाएगा तो परिवार हो जाएगा, परिवार से समुदाय, समुदाय से अब धर्म, अब जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म हो गया, मतलब ये अलग अलग धर्म होते गए। फिर शैक्षणिक, अब शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग शिक्षाएं आपको मिल जाती है, तो किसमें शैक्षणिक में है। आर्थिक क्रिया, व्यापार जितने भी हो आप कर रहे हो, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रिया थोड़ा समझ लेते हैं। आर्थिक क्रिया वो क्रिया जिसके द्वारा कार्य करने पर आपको पैसा मिले वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी, जिनके कार्य करने से आपको पैसा ना मिले अनार्थिक क्रिया कहलाएगी। इसका एक उदाहरण, आप कहीं दूसरे पर काम करने जाते हो तो आपको पैसा मिलेगा वो आर्थिक क्रिया, लेकिन आप घर में स्वयं काम करेंगे अपने तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, वो क्या कहेंगे अनार्थिक क्रिया कहलाएगी। राजनैतिक, राजनैतिक में आपका राज, जिला, देश, विदेश, ये सब राजनीतिक में आएगा। पार्टी, एक पार्टी, दूसरी पार्टी, ये सब का अलग अलग ग्रुप समूह होते हैं राजनीतिक दल के या जिला, ये सब के किस में आएगा राजनीतिक नक्शे में आएगा। अब आगे तो पारितंत्र, जैसा कि मैंने बताया इसमें भौतिक तथा रासायनिक से प्राकृतिक से अंतःक्रिया करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो पारितंत्र कहलाता है उसी में। अब आता है कहता है वस्तु विनिमय, इसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, इसमें रुपए का उपयोग नहीं होगा, धन का उपयोग नहीं होगा, केवल वस्तुओं से वस्तु। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि आपको वही व्यक्ति मिले जिसको उसकी आपकी जरूरत है और उसको आपकी जरूरत हो उस वस्तु की, ये होता है वस्तु विनिमय। फिर आता है अच्छा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आपका 5 जून को मनाया जाता है, या आपका अपने व्यक्ति को पूछा जाता है। पर्यावरण, पर्यावरण की उत्पत्ति का फ्रेंच के एनवायरोनेरस से हुई है, एनवायरोन निर्भर हुई है जिसका अर्थ होता है पड़ोस। वही आपको होता है पर्यावरण जो आपके आसपास गिरा हुआ क्या कहेंगे आपका पर्यावरण का, ये होते हैं आपके पर्यावरण के घटक। ये अध्याय एक था, अब अध्याय दो जल्दी हम लोग इसी तरह वीडियो देखने के लिए शेयर को लाइक सब्सक्राइब।